हेलो स्टूडेंट्स, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। दोस्तों, कल हम लोगों ने बेसिक नॉलेज देख लिया था कि जो हमारे इंग्लिश में जो टीचिंग है उसको कराने के लिए क्या क्या बेसिक बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए और इंडिया में इंग्लिश कैसे आई, उसका क्या स्टेटस है, उस पर बात कर ली थी। अब इंग्लिश को पढ़ाने के कौन कौन से मेथड्स हैं और जो हमारे सिलेबस में मैंशन है उसमें से एक हम बात कर रहे हैं, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, GTM। ये जो मेथड है ये सबसे पुराने मेथड्स में से आता है इंग्लिश को पढ़ाने के लिए। जब ब्रिटिशर्स ने, इंग्लिश लोगों ने सोचा कि हमें दुनिया में लोगों को इंग्लिश कैसे पढ़ाई जाए, तो उन्होंने एक मेथड निकाला जो 1840 के आसपास वो शुरुआत हुई इस मेथड की। और इंडिया में भी आपको ध्यान है कि जब मैकॉली लेकर आया तो इसी मेथड को शुरू किया गया। ये मेथड के नाम से लग रहा होगा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, GTM। मतलब इसमें टीचर जो है आपको इंग्लिश की पूरी ग्रामर बताएगा, टेंस, वॉइस, नरेशन, हर चीज के रूल्स बताएगा। ग्रामर के रूल्स स्टूडेंट्स को बताए जाएंगे, उनको मेमोराइज करवाए जाएंगे। इसके अलावा ट्रांसलेशन करवाया जाएगा, मतलब हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, या फर्स्ट लैंग्वेज से सेकंड लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज से फर्स्ट लैंग्वेज, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करवाया जाता है और खूब सारी ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज करवाई जाती है। तो इसमें लिखने पर, ग्रामर पर, इन पर जोर होता है, ठीक है ना। ये मेथड सबसे पुराना मेथड है, इंडिया में भी यही मेथड चलता है। जिन लोगों ने स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, स्कूल में पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि टीचर यही करता था। जब टीचर हमारी क्लास में आता था वो ग्रामर पढ़ाता था, लेसन को आपको ट्रांसलेट करवाता था, इंग्लिश पढ़ता था और एक एक लाइन की ट्रांसलेशन करवाता था, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता था। और आपको वॉकैब याद करने के लिए घर पे दी जाती थी, ग्रामर के रूल्स याद करने को दिए जाते थे और ग्रामर की एक अलग क्लास हुआ करती थी। उसको पहले रूल्स और फिर एग्जाम्पल्स, रूल्स और एग्जाम्पल यानी कि डिडक्टिव मेथड से पढ़ाया करते थे, वॉकेबलरी को बहुत सारा लर्न करवाते थे। इसके अलावा आपको ना ग्रामर के रूल्स पढ़ाते थे, ट्रांसलेशन करवाते थे, ये सब होता था। टीचर का मेन रोल होता था, टीचर ओरिएंटेड क्लास होती है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पैसिव लिसनर होते हैं। टेक्स्ट बुक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कोर्स रीडर पढ़ाएगा, रैपिड रीडर पढ़ाएगा, एक एक लाइन को ट्रांसलेट करवाएगा। ये सब काम इस मेथड में होते हैं। पुराना मेथड है ये, सबसे पहले एक्चुअली डेवलप जो अगर देखा जाए तो इंग्लिश पढ़ाने के लिए जर्मनी में शुरू हुआ, इट वॉज ओरिजिनेटेड इन जर्मनी, ठीक है ना। एक अगला पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड, जो कि फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ, वो इसका उल्टा था। डायरेक्ट मेथड, पहले हम डायरेक्ट मेथड की बात ना करके ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पे बात करते हैं। जर्मनी में ये ओरिजिनेटेड हुआ और इंडिया में भी इसको यूज किया गया। इसका मेन उद्देश्य है लिटरेचर में बच्चों को एक्सपर्ट करना, बच्चों को पढ़ना सिखा दें, इंग्लिश लिखना सिखा दें। मतलब जैसे हमारे भारत में हमें क्लार्क बनाने थे तो ये वो यूज होता है कि भाई आपको बच्चों को लिटरेचर, जो लाइब्रेरी जो बुक्स हैं उनको पढ़ के समझ जाए, इंग्लिश से हिंदी समझ जाए और हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके, लिख सके, पढ़ के समझ सके। राइटिंग और रीडिंग, ये वाले स्किल मजबूत करता है। स्पोकन इंग्लिश, लिसनिंग इंग्लिश पे कोई फोकस नहीं है, ओरल कम्युनिकेशन पे जोर ही नहीं है, दे आर टोटली साइलेंट ऑन कम्युनिकेशन। स्पोकन एंड लिसन, जो लिसनिंग और जो स्पीकिंग स्किल्स है उन पे ये लोग साइलेंट है, ठीक है ना। ये GTM मेथड है, इसको हम पढ़ेंगे फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, तो बड़ा मजा आने वाला है। इस मेथड में कुछ नहीं बचेगा आप लोगों के लिए, बस ये जो मैं बातें बता रहा हूं उनको पढ़ लें, समझ लें और ये मेथड आपके मुट्ठी में होगा। देखिए इस मेथड की बात करें तो इसको ओल्ड मेथड कहते हैं, सबसे पुराने मेथड्स में से आता है, ओल्ड मेथड है, क्लासिकल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड। पुराने को क्लासिकल भी कहते हैं, ट्रेडिशनल भी कहते हैं, तो तीनों बातें एक ही हो गई। कौन सा मॉडल ओल्ड है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, सो क्लासिकल मेथड भी कहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। इट इज रफली आइडिया दैट इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1840 टू 1940। ये 1840 से 1940 के बीच में ये इंट्रोड्यूस हुआ, डेवलप हुआ और पूरी दुनिया में इंग्लिश पढ़ाने के लिए जो दूसरे देश थे जहां पे नेटिव लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, इस मेथड को यूज किया गया कि इससे उनकी ग्रामर और उनके शब्दों में ट्रांसलेट करके पढ़ा दिया जाए।
इट मीन्स इट इज अबाउट 200 ईयर्स ओल्ड, लगभग 2 साल पुराना मेथड। ये मेथड अमेरिका में प्रूजन मेथड्स के नाम से जाना गया, प्रूजन मेथड अमेरिका के अंदर। प्रूजन है ये एक जर्मन वर्ड है और 1845 में इस मेथड को अमेरिका में प्रूजन मेथड से जाना जाने लगा। अमेरिका में भी लोगों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए इस मेथड को अपनाया गया और ये अमेरिकन टीचर थे बी सीयर्स, उन्होंने वहां इसकी शुरुआत की थी अमेरिका में। ठीक है ना, जर्मनी में ये ओरिजिनेट हुआ था, अमेरिका में इसको बी सीयर्स ने डेवलप किया, इसको मतलब आगे बढ़ाया। तो ये मेथड अमेरिका में प्रूजन मेथड के नाम से जाने जा रहा था, जो जर्मन वर्ड है। ठीक है, उसके बाद देखिए द ओरिजिनेटर ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेट मेथड इज जर्मन स्कॉलर जॉन वैलेंटिन मेडिंगर, मेडिंगर के नाम से याद रखना, जेवी मेडिंगर, जॉन वैलेंटिन मेडिंगर, जेवी मेडिंगर 1783 में इसको ओरिजिनेट किया। इसलिए कहते हैं कि 200 ईयर से ज्यादा पुराना मेथड है, ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश टू फॉरेन स्टूडेंट्स। और 1783 में मेडिंगर ने इसको डेवलप किया था, जो जर्मन स्कॉलर थे। इसलिए कहते हैं कि इसका जो जन्म हुआ है वो एक तरह से जर्मनी में हुआ है। एडवोकेटेड दैट लैंग्वेज वॉज बेस्ट एक्वायर्ड बाय टारगेट ग्रामर ट्रांसलेशन, कि अगर आपको लैंग्वेज पढ़ानी है तो उनकी ग्रामर पढ़ाओ और ट्रांसलेशन कर लो। हाउएवर द जर्मन स्कॉलर कार्ल प्लॉट्स, कार्ल प्लॉट्स जो 1819 में पैदा हुए थे, 1881 में एक्सपायर हो गए थे, इज द नेम मोस्ट एसोसिएटेड विद कलेक्टिंग द की एलिमेंट्स एंड क्रिएटिंग द फ्रेमवर्क फॉर द ग्रामर ट्रांसलेशन अप्रोच। ओरिजिनेट तो मेडिंगर ने कर दिया था, लेकिन कार्ल प्लॉट्स ने इसके ऊपर सिस्टमेटिक काम किया, इसको जो इसके फ्रेमवर्क, इसका जो फ्रेमवर्क तैयार किया वो कार्ल प्लॉट्स ने तैयार किया। ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये मेथड जर्मनी में ओरिजिनेटेड हुआ। क्वेश्चन पूछ ले अगर आपसे कि कहां ओरिजिनेट हुआ तो आप बताना जर्मनी में। और अमेरिका में इसको प्रूजन मेथड के नाम से जाना गया, बी शियर्स जो टीचर थे उन्होंने वहां अमेरिका में इसको काम किया इस मेथड के ऊपर। भारत में ये मेथड आया ब्रिटिशर्स के साथ, केम इन इंडिया विद द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स इसको लेकर आए इंडिया में, मकौली जो है 1835 में इसको इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पर, मतलब उसके बाद इंट्रोड्यूस हुए, तो इंग्लिश लेकर आए थे मकौली और उसके बाद इस मेथड से पढ़ाया गया था। इस मेथड का प्रोसेसर क्या है, वही प्रोसेसर बता रहा था आपको मैं, कि ग्रामर सिखा दो, इंग्लिश के वोकैबुलरी दे दो, मदर टंग के अंदर जो आपकी हिंदी से वोकैबुलरी दे दो उनको इंग्लिश की, और खूब सारी ट्रांसलेशन कर दो, ग्रामर वोकैब ट्रांसलेशन रिटन और रीडिंग, बस ये GTM होता है। इन ट्रांसलेशन मेथड द टीचर ट्रांसलेट, आगे देखो आप, टीचर ट्रांसलेट करता है, द टीचर ट्रांसलेट्स, एस लगा देना इसमें, द टीचर ट्रांसलेट ईच एंड एवरी वर्ड, टीचर क्या करेगा, हर शब्द को ट्रांसलेट करेगा, फ्रेज को ट्रांसलेट करेगा, सेंटेंस को ट्रांसलेट करेगा, इंग्लिश ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश सेंटेंस को इनटू मदर टंग, जैसे अब मान लीजिए इंडिया के हिसाब से हिंदी में ट्रांसलेट करेगा, एंड इनटू मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट्स। इन दिस मेथड टेक्स्ट बुक ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस, इस वजह से जो टेक्स्ट बुक होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाती है, क्योंकि टेक्स्ट बुक टीचर के हाथ में रहेगी, स्टूडेंट के हाथ में रहेगी, स्कूल में पढ़ा होगा सब लोगों ने, टीचर कोर्सडर रेपिटेड बुक पढ़ाता है और उसकी एक एक लाइन को, एक एक फ्रेज को, एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करके देता है। ठीक है ना, तो बुक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, टीचर जो है वो ट्रांसलेट करके पढ़ाता है एक एक शब्द। इट हैज नो साइकोलॉजिकल बेसिस, इस प्रोसेस का, इस मेथड का ना कोई साइकोलॉजिकल बेसिस नहीं, क्योंकि लर्नर सेंटर्ड ही है ही नहीं, तो टीचर सेंटर्ड होगी, तो साइकोलॉजिकल बेसिस नहीं है, बट यस फिलोसॉफिकल बेसिस जरूर है। तो फिलोसॉफिकल बेसिस क्या है इसका, एक तो फॉरेन लैंग्वेज अगर सीखना चाहते हो ना तो आप ट्रांसलेशन से सीख सकते, अगर आप बच्चे को उसकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके सिखाते हो ना तो थोड़ा सा वो टची फील करता है, थोड़ा सा उसको इंटीमेट फील करता है, अच्छा लगता है उसको, फिलोसॉफिकली सही रहता है।
और ग्रामर जो होती है ना वो लैंग्वेज की सोल होती है। तो अगर आपने बच्चों को उस लैंग्वेज की ग्रामर सिखा दी तो लैंग्वेज तो सीख ही जाएगा, ऐसा फिलोसॉफिकल बेस है इस मेथड का। साइकोलॉजिकल बेस तो नहीं है बट फिलोसॉफिकल बेस है कि किसी भी स्टूडेंट को अगर आपको लैंग्वेज सिखानी है कोई फॉरेन लैंग्वेज, ट्रांसलेशन के थ्रू सिखाओ और ग्रामर को सिखाओ, इसलिए इसका नाम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी है। ये इसका ना साइकोलॉजिकल बेस नहीं है, ये फिलोसॉफिकल बेस है। फिर देखिए अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड वायट द ट्रांसलेशन मेथड इज बेस्ड ऑन दैट। तीन चार बेस बताता है इसके कि किन चीजों पर बेस है थॉमसन वाइट के हिसाब से। इन द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन द फॉरेन फ्रेजोलॉजी इज एसिमिलेटेड। जब आप इंटरप्रिटेशन करते हो ना तो द फॉरेन फ्रेजोलॉजी इज एसिमिलेटेड, आपको फॉरेन जो फ्रेजोलॉजी होती है जो शब्द होते हैं वो आपको समझ में आते हैं ट्रांसलेशन की वजह से, इंटरप्रिटेशन करने से। ट्रांसलेशन इंटरप्रेट फॉरेन फ्रेजोलॉजी बेस्ट। और अगर आपको फॉरेन फ्रेजियोलॉजी समझनी है, फ्रेज समझने है, वर्ड समझने है, तो ट्रांसलेशन से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। इसके अलावा द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन लैंग्वेज इन इज बेस्ट लर्न इज बेस्ट लर्न। लैंग्वेज इज बेस्ट लर्न व्हेन कंपेयर्ड एंड कंट्रास्टेड विद दैट ऑफ द मदर टंग। कोई भी फॉरेन लैंग्वेज तब अच्छी समझी जा सकती है जब उसको आप अपनी मदर टंग से ट्रांसलेट करते हो, उससे बहुत बढ़िया समझ में आती है, ठीक है ना। तो ट्रांसलेशन बेस है। थॉमस वाइट ने कहा कि आपको उसको ट्रांसलेशन करो, तो थॉमस वाइट के हिसाब से ट्रांसलेशन मेथड में ट्रांसलेशन बहुत जरूरी है अगर आपको फॉरेन फ्रेजियोलॉजी समझनी है, फॉरेन के वर्ड समझने हैं, तो ट्रांसलेशन बेस्ट तरीका है। तो इसी प्रोसीजर इसी प्रिंसिपल पर ये जो मेथड है हमारा वो आधारित है। ये सबसे पुराना मेथड है, अबाउट 200 ईयर्स ओल्ड मेथड है। अब देखो इस मेथड के प्रोसेस क्या है, कैसे सीखोगे, वही बात है, वापस वही बात आएगी। प्रोसेस क्या है इसका, जीटीएम इज वे ऑफ स्टडिंग लैंग्वेज दैट अप्रोचेस द लैंग्वेज फर्स्ट थ्रू डिटेल एनालिसिस ऑफ इट्स ग्रामर रूल्स। सबसे पहले ग्रामर रूल्स पढ़ा दो और उसके बाद टास्क ऑफ ट्रांसलेटिंग सेंटेंसेस, बच्चों को सेंटेंस ट्रांसलेट करना सिखाओ और उसके बाद टारगेट लैंग्वेज के अंदर उसको टेक्स्ट को चेंज कर दो, हिंदी से इंग्लिश कर दो, इंग्लिश से हिंदी कर दो, ट्रांसलेट कर दो। ये प्रोसेस होना चाहिए, बेस्ट प्रोसेस है ये। इस तरह से आप इंग्लिश सिखा सकते हैं। और देखो ये सरल है, इकोनॉमिकल है, इसलिए ना आज भी इंडिया जैसे देशों में इसी मेथड से पढ़ाया जा रहा है, जबकि कितना पुराना मेथड हो चुका है। और देखिए आप कैरेक्टरिस्टिक्स, अब इसके बहुत मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स मैं लिखवा रहा हूं, प्रिंसिपल्स लिखवा रहा हूं, ये अगर आप पढ़ लेंगे तो आराम से आप जीटीएम के कोई से भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लोगे तो उसके फिर बाद में पढ़ेंगे क्या इसके एडवांटेज हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है ना। इससे आपको ना जीटीएम मेथड पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और फिर कैसे भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। मैं आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन इसके अगले पार्ट में कराऊंगा। पिछले पार्ट में हम लोगों ने बेसिक थियोरी पढ़ी थी, बेसिक जो प्रिंसिपल्स थे इंग्लिश टीचिंग के वो पढ़े थे। अब हम वन बाय वन एक एक करके मेथड्स पढ़ रहे हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द एम ऑफ लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज। एक फॉरेन लैंग्वेज को सीखने का जो हमारा एम होता है, जो उद्देश्य होता है, फॉर दिस मेथड इज नॉट टू लर्न टू ग्रामर टू यूज इट। उस उद्देश्य से आपको ग्रामर्स को यूज करने के लिए नहीं सीखनी, आपको ग्रामर सीखनी है उस लैंग्वेज को समझने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, यूज करने के लिए नहीं सीखनी है, बट लर्न अ लैंग्वेज सो दैट वी मे स्टडी लिटरेचर। पुराना सिद्धांत यही था, क्योंकि आपको लिटरेचर पढ़ना था, आपको लिटरेचर समझना था, लाइब्रेरी लैंग्वेज के रूप में देखते थे इंग्लिश को लोग, तो उस ग्रामर को यूज करना नहीं है, बोलने में नहीं, सुनने में नहीं, हमें लिटरेचर को पढ़ने में, किताबों को पढ़ने के समझ में आने के लिए पढ़ा था। और स्टडी लिटरेचर अवेलेबल इट इन एंड अवेलेबल इन इट एंड टू बेनिफिट द मेंटल डिसिप्लिन। और हम इसलिए सीखते हैं ताकि मेंटल डिसिप्लिन आ जाए, हमें बहुत सारी नॉलेज हो जाए। इसलिए देखना जीटीएम से पढ़ने वालों की नॉलेज कई बार ना डायरेक्ट मेथड से पढ़ने वालों ज्यादा होती है, इंग्लिश की नॉलेज ज्यादा होती है, उसको यूज नहीं कर पाते, वो बात अलग है, क्योंकि यूज करना सिखाते भी नहीं इसमें। इसमें तो ट्रांसलेशन सिखाते हैं, ग्रामर के रूल सिखाते हैं, वोकैब याद करवाते हैं, तो मेंटल डिसिप्लिन बहुत अच्छा हो जाता है।
आपको इतने सारे ग्रामर रूल्स, इतनी सारी वोकैब आ जाती है, आपको इतने सारे वर्ड्स आ जाते हैं जितने सारे उस अंग्रेजों को भी नहीं आते, हमें बहुत अच्छी नॉलेज है, बट वी कैन नॉट यूज दैट लैंग्वेज दैट दोज रूल्स इन स्पीकिंग इन 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 लिसनिंग, हम उनको ओरल कम्युनिकेशन में यूज नहीं कर पाते। एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट खूब हो जाता है, खूब बुद्धि का विकास हो जाता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अच्छा हो जाता है, ठीक है ना, ये फायदे होते हैं। ट्रेडिशनल ग्रामर इज कंप्लीटली साइलेंट ऑन स्पोकन इंग्लिश, ये ध्यान रखना, स्पोकन इंग्लिश पे पूरी तरह से खामोश है। इसका काम केवल लिटरेचर पढ़ने में है, राइटिंग के लिए है, रीडिंग के लिए है, स्पोकन इंग्लिश में बिल्कुल साइलेंट है और डे टू डे इंग्लिश में बिल्कुल साइलेंट है। ये केवल बात करती है लिटरेरी इंग्लिश, लिटरेरी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के लिए। रीडिंग एंड राइटिंग रिसीव द मेजर फोकस, मेजर फोकस हो जाता है रीडिंग और राइटिंग के ऊपर, नो अटेंशन ऑन स्पीकिंग और लिसनिंग, स्पीकिंग पे और लिसनिंग पे कोई अटेंशन नहीं होता, कोई फोकस नहीं होता। लिटरेरी लैंग्वेज इज स्टडीड एज इट इज कंसिडर्ड सुपीरियर टू स्पोकन लैंग्वेज, जो लिटरेरी इसकी जो लैंग्वेज है इज स्टडीड एज इट इज कंसिडर्ड सुपीरियर टू स्पोकन लैंग्वेज, लिटरेरी लैंग्वेज को ज्यादा पढ़ा जाता है और माना जाता है कि वो स्पोकन लैंग्वेज से सुपीरियर है। लिटरेरी लैंग्वेज पर जोर होता है जीटीएम के अंदर, लिटरेचर पढ़ने के लिए, बुक्स को पढ़ने के लिए, बस बोलने के लिए नहीं होता। दे गिव अस लिस्ट ऑफ वर्ड्स और वोकैबुलरी आइटम्स, खूब सारे वर्ड्स याद करवाए जाते हैं, खूब सारी वोकैब याद करवाई जाती है, बोरोड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक विद देयर इक्विवेलेंट, टेक्स्ट बुक से आप वोकैब को उठाते हो और साथ में उसके इक्विवेलेंट लिखते हो, जैसे कोई वर्ड होगा इंग्लिश का तो उसके इक्विवेलेंट हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, वो सामने उसका मीनिंग भी लिखा होगा, हिंदी मीनिंग भी साथ में लिखा होगा, वो याद करना पड़ेगा। बुक्स विद देयर इक्विवेलेंट एंड रूल्स ऑफ ग्रामर, खूब सारे रूल्स बताए जाएंगे ग्रामर के, वोकैब, रूल्स ऑफ ग्रामर एंड ट्रांसलेशन एक्सरसाइज आर प्रिस्क्राइब, ये आपको सलाह दी जाती है कि आप वोकैब याद करो, ग्रामर के रूल्स याद करो और ट्रांसलेशन करो। इट्स फीचर इज ग्रामर रिसाइटेशन, खूब ग्रामर याद करवाई जाती है, यानी कि इट इज बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स मेमोरी, बच्चे की मेमोरी अगर अच्छी होगी तो याद कर ले, कि मेमोरी कमजोर होगी तो याद नहीं कर पाएगा, तो ग्रामर रिसाइटेशन पे जोर देता है। डिक्शनरी थंबिंग, थंबिंग मतलब डिक्शनरी के पेज को आप पलटते जाओ याद करते जाओ, पलटते जाओ याद, थंबिंग मतलब अपने अंगूठे से आप पेज को पलटते जाओ, टर्न ओवर करते जाओ और वोकैब याद करते जाओ, इतनी सारी वोकैब याद करवाई जाती है, ये होता है इसका ग्रामर, रूल्स, वोकैबुलरी, ट्रांसलेशन। स्पोकन इंग्लिश पे साइलेंट, स्पीकिंग लिसनिंग पे साइलेंट, राइटिंग पे फोकस है, रीडिंग पे फोकस है, लिटरेरी लैंग्वेज पे फोकस है, ठीक है ना, ये इसकी खास बात होती है। फिर देखिए लर्निंग बाय हार्ट इज प्रमोटेड इन दिस मैथड, खूब याद करना होता है, मन से याद करो, सुबह बैठ के रात को मतलब याद करो, रटो, क्रैमिंग पे फोकस है। लर्न बाय हार्ट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पुट्स अ ट्रेमेंडस स्ट्रेन ऑन स्टूडेंट्स मेमोरी, स्टूडेंट की मेमोरी पर बहुत जबरदस्त जोर होता है, स्टूडेंट की मेमोरी पर जोर होता है, ठीक है ना, वो आपको याद करना होता है, खूब याद करना होता है स्टूडेंट की, मतलब उसको मेमोरी पे बहुत फोकस होता है, स्ट्रेन होता है, खास बात है। ट्रांसलेशन बहुत जरूरी है, इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग, ट्रांसलेशन जरूरी है, ये इफेक्टिव वे है सीखने का। ट्रांसलेशन मतलब पहले आप ग्रामर सीख लो, वोकैब सीख लो और फिर ट्रांसलेट करो मदर टंग से टारगेट लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज से मदर टंग, मतलब हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करना है, ये बेस्ट वे है इनके हिसाब से, इस तरीके के हिसाब से, ठीक है ना, ये इफेक्टिव वे है। तो लर्निंग करनी है खूब सारी और ट्रांसलेशन करना है, ये खास बात है इस मेथड। और ट्रांसलेशन में एक्यूरेसी आना जरूरी है, अगर ट्रांसलेशन सही नहीं करोगे तो टीचर आपको जो है वो पनिश कर सकता है, पनिशमेंट, वोकैब याद नहीं है, टीचर वोकैब पूछेगा, डंडे मारे, टीचर ग्रामर के रूल्स पूछेगा, नहीं करोगे तो पनिशमेंट देगा,
इसमें पनिशमेंट होता है, टीचर बड़ा रोल, वो बच्चों को डराता है, डंडा हाथ में लेकर आता है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप होता है। टीचर इज द लीडर ऑफ ऑर्केस्ट्रा, वो खूब सारे वर्ड्स आपको याद कर, ठीक है ना। स्टूडेंट्स आर हैवीली पनिश्ड अगर याद नहीं किया। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू अटेन हाई स्टैंडर्ड इन ट्रांसलेशन, खूब सारी वोकैब याद करवाता है। और ट्रांसलेशन में जबरदस्त स्टैंडर्ड आना चाहिए, एक एक लाइन को बहुत एक्यूरेटली आप ट्रांसलेट करें, ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। यू आर सपोज टू लर्न वोकैब, ग्रामर रूल्स एंड देन ट्रांसलेट एक्यूरेटली, ये आपसे सपोज किया जाता है। अच्छा, ट्रांसलेशन करने की जो बेसिक यूनिट होगी वो सेंटेंस होगी, ये ध्यान रखें। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, वर्ड होती है कि सेंटेंस, देखो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ट्रांसलेशन जो सेंटेंस होता है ना, उस पूरे को वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझा करके एक साथ उसको एक यूनिट के रूप में मीनिंग किया जाता है। जैसे मान लीजिए इसका अर्थ करना है मुझे, एक प्राथमिक प्राइमरी को बेसिक आधारभूत इकाई है ट्रांसलेशन की है वाक्य, ये तो शब्दों के होंगे लेकिन ये कोई ट्रांसलेशन थोड़ी है। ट्रांसलेशन तो पूरे वाक्य की एक साथ की जानी चाहिए। जो ट्रांसलेशन की जो बेसिक यूनिट है वो सेंटेंस होती है, आधारभूत इकाई वाक्य होती है। ये पूरे वाक्य का जो मैंने ट्रांसलेशन किया ना, ये आपको समझ में आएगा। तो ट्रांसलेशन की बेसिक यूनिट जो है वो सेंटेंस होती है। अच्छा, वो बेसिक यूनिट सेंटेंस इसमें भी होती है, अपने जीटीएम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में भी होती है, और ये बेसिक यूनिट सेंटेंस जो है डायरेक्ट मेथड में भी होती है। एक एक सेंटेंस को अर्थ किया जाता है शब्द का करके, उनको जोड़ करके सेंटेंस के रूप में किया जाता है। तो अगर पूछ ले कि ट्रांसलेशन की बेसिक यूनिट क्या है, तो आप जवाब देंगे सेंटेंस होती है। सेंटेंस इज एम्फसाइज मोस्ट इन दिस मेथड, इस मेथड में पूरे सेंटेंस पर एम्फसाइज किया जाता है। ग्रामर टीचिंग इज थ्रू डिडक्टिव टीचिंग, ये बात इंपॉर्टेंट है। ग्रामर कैसे पढ़ा जाती है, इसमें डिडक्टिवली पढ़ाई जाती है, ग्रामर को डिडक्टिवली पढ़ाया जाता है। डिडक्टिवली मतलब पहले ग्रामर के रूल्स बताए जाते हैं, फिर बच्चों को एग्जाम्पल दे करके उन रूल्स को समझाया जाता है। तो डिडक्टिवली मतलब पहले रूल्स और फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स, ये कह रहे हैं। मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल The teacher presents grammar rules, पहले ग्रामर के रूल्स देगा, then explains them with the help of some examples, फिर उनको example से जो है समझाएगा। और एक बार जब खूब सारे रूल्स दे दिए उसने, उसके बाद उनको ट्रांसलेशन एक्सरसाइज से प्रैक्टिस करवाई जाएगी, फिर उनको खूब सारी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। There are grammar points according to syllabus in text, कुछ ग्रामर के पॉइंट्स होते हैं, and an attempt to teach systematically, और उन ग्रामर के रूल्स को जो किताब में दिए होते हैं कोर्स डायग्रामेंट में, उनमें टीचर उन रूल्स को अलग से क्लास में पढ़ाएगा डिडक्टिवली। डिडक्टिवली मीन्स पहले रूल्स पढ़ाएगा, एग्जांपल्स देगा, अगले दिन प्रैक्टिस के लिए बोलेगा। तो ग्रामर की एक अलग से सेपरेट क्लास होती है और बहुत फोकस होता है उसके ऊपर। फिर देखिए, डिडक्टिव मीन्स जनरल टू पर्टिकुलर, पहले एक जनरल रूल दे दो और फिर पर्टिकुलर एग्जाम्पल समझाओ। इंडक्टिव भी ऐसा होता है, पहले पर्टिकुलर, इंडक्टिव उल्टा होता है, पहले पर्टिकुलर अलग अलग एग्जांपल्स दे दो और फिर उसे रूल को इंडक्ट करो, एक नियम बनाओ उसे। इसमें डिडक्टिव में पहले नियम दो फिर एग्जांपल्स, इंडक्टिव में पहले एग्जांपल्स दो फिर आप खूब उसके रूल्स बना दो। जैसे एग्जांपल समझा है, मैन इज मोर्टल, आपने एक रूल बता दिया कि भाई मैन इज मोर्टल, ये मेजर प्रेमिस दे दिया, फिर आपने कहा राम इज मैन, तो राम इज मोर्टल, राम भी एक आदमी है, इसका मतलब राम भी क्या हो गया, मोर्टल हो गया। ये हो गया डिडक्टिव इन्फ्रेंस, आपने एक निष्कर्ष निकाल लिया। इसमें क्या होता है, एग्जांपल देते हो, राम मोर्टल है, सीता मोर्टल है, इसका मतलब राम और सीता दोनों मैन है, तो मैन भी क्या है, मोर्टल। ये इंडक्टिव लॉजिक होता है, फ्रॉम पर्टिकुलर एग्जाम्पल दिए राम का सीता का, फिर जनरल बात निकाल दी मैन इज मोर्टल, इसमें पहले जनरल बात बता दी फिर पर्टिकुलर बात की राम और सीता की, ठीक है ना। इस तरह से करते बात में आ गई आप लोगों को, तो ये डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड होते हैं। जीटीएम में ग्रामर जो है वो डिडक्टिव मेथड से पढ़ाई जाती है, डिडक्टिव मेथड। सारे पॉइंट्स याद करना आप लोग, है ना। अब देखो,
मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, टीचर क्लास में जो बच्चों को इंस्ट्रक्शन देगा, जो उनको रेफरेंस देगा, वो मदर टंग में देगा, क्योंकि मदर टंग यह इंपॉर्टेंट है। आपको अगर बच्चों को समझाना है, कुछ इंस्ट्रक्शन देना है, कुछ रेफरेंस देना है, तो आप किसमें दोगे? मदर टंग के अंदर दोगे। मदर टंग से ही मीडियम इंस्ट्रक्शन होता है, रेफरेंस लैंग्वेज भी होता है। इट इज यूज, मतलब मदर टंग इज यूज टू एक्सप्लेन न्यू आइटम्स एंड टू अनेबल कंपेरिजन टू मेड बिटवीन फॉरेन लैंग्वेज एंड मदर टंग। फॉरेन लैंग्वेज और मदर टंग में कंपेरिजन करके ही आप बच्चों को समझाओ। आप पहले उनको मदर टंग, जो भी नए आइटम देने हैं मदर टंग के अंदर दो। बताना है किसी को भी पिक्चर यानी घड़ा होता है तो आप उसको घड़ा बता दो, किंग यानी राजा होता है तो राजा बता दो, बच्चा अपने आप किंग और राजा को जोड़ लेगा और समझ जाएगा। ये कहते हैं। टीचर की बात करें तो द टीचर इज द ऑथोरिटी इन द क्लासरूम। क्लासरूम का जो अधिकारी होता है, जिसकी चलती है क्लासरूम में, जो ऑथोरिटी होती है, वो टीचर होता है। ही इज द लीडर ऑफ ऑर्केस्ट्रा, वो ऑर्केस्ट्रा का लीडर होता है। मैं कल बता रहा था लास्ट क्लास में आप लोगों को, जैसे ऑर्केस्ट्रा जो संगीत का प्रोग्राम होता है, उसमें जिस तरह से एक जो लीडर होता है, वो जैसे जैसे लोगों को अपना इंडिकेशन देता है, वैसे म्यूजिक बजता है, लाउड होगा कि स्लो होगा कि रिदम कैसे होगी, वो लीडर ऑफ ऑर्केस्ट्रा बताता है। ऐसे क्लास में स्टूडेंट कैसे बिहेव करेंगे, क्या याद करना है, कौन सा होमवर्क करना है, कितना याद करके लाना है, वोकैब, ग्रामर, ट्रांसलेशन कब कब कौन कौन सी करनी, सब टीचर बताएगा। टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप होता है। टीचर मास्टर होता है, स्टूडेंट सर्वेंट होता है। इसके अलावा ये जो मेथड है टीचर सेंटर्ड है, ये टीचर ओरिएंटेड मेथड है, जबकि साइकोलॉजी कहती है कि मेथड होना चाहिए लर्नर सेंटर्ड। लेकिन जीटीएन जो पुराना मेथड है वो टीचर सेंटर्ड मेथड है, टीचर ओरिएंटेड मेथड है। टीचर जो है लीडर ऑफ ऑर्केस्ट्रा है। द स्टूडेंट इज जस्ट अ पैसिव लिसनर, स्टूडेंट तो बेचारे केवल पैसिव लिसनर है, सुनते हैं और कोई एक्टिविटी नहीं करते, पैसिव होते हो, दे आर नॉट एक्टिव, दे आर पैसिव लिसनर। बस टीचर ऑर्डर देता रहता है, स्टूडेंट सुनते रहते हैं, जो टीचर कहता है वही स्टूडेंट करते हैं। बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बुक ओरिएंटेड मेथड है। बिना बुक के टीचर नहीं पढ़ाएगा, बिना बुक के स्टूडेंट भी नहीं पढ़ पाएगा। बुक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इन विच टेक्स्ट बुक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस मेथड, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एडवांटेज। अब इस मेथड के क्या क्या फायदे हैं? देखना आप, जो आपने पढ़ाना आप बताओ, अगर आप इस मेथड से पढ़ के आते तो क्या सही जाता? आपकी वोकैब अच्छी हो जाती, आपकी ट्रांसलेशन अच्छी हो जाती, आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाती, और आपको अगर तीनों चीज सही हो जाती, ग्रामर सही हो जाती, वोकैब सही हो जाती है, आपकी अगर ट्रांसलेशन सही हो जाती है, तो आपकी इंग्लिश भी जो राइटिंग है, जो रीडिंग है, वो आपकी अच्छी हो जाएगी, आप लिटरेचर को पढ़ पाओगे। और कहीं ना कहीं मेथड ना ये कह सकते हो चीप होता है, सस्ता होता है, इसमें इट इज इकोनॉमिकल, कुछ ज्यादा जरूरत ही नहीं है। टीचर क्लास में आएगा, बस एक बुक होनी चाहिए, पढ़ा देगा, चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, बुक, टीचर और स्टूडेंट, बस। और कोई आपको फैसिलिटी, कोई लैब की जरूरत नहीं, कोई टीचिंग एड्स की जरूरत नहीं। तो ये इकोनॉमिकल होती है, समय को बचाती है, लार्ज क्राउडेड क्लासेस में इजी रहती है पढ़ाना, हर सिचुएशन में काम आ सकती है। लार्ज क्लास, बड़ी बड़ी क्लास होती है ना, एक टीचर आएगा, बुक लेकर आएगा या ग्रामर पढ़ा रहा है बोर्ड के ऊपर, आगे कितने बच्चे पढ़ा दो आप, 200, 500, 600, इजीली टीचर पढ़ा देगा। तो लार्ज क्राउडेड क्लासेस में भी ये पॉसिबल और इजीली पढ़ा सकते, हर सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन हैविंग बेटर एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड मीनिंग। आपको वर्ड्स के जब आप ट्रांसलेशन करके बता दोगे तो उसकी मीनिंग बहुत इजीली समझ में आ जाते हैं। इट इनहांसेस द स्टूडेंट्स वोकैबुलरी, ये स्टूडेंट की वोकैबुलरी को भी इनहांस कर देती है, वोकैब बहुत अच्छी हो जाती है, उसको मदर टंग की नॉलेज आती है। देखो आप, कई बार तो हिंदी की जब इंग्लिश करते हैं, इंग्लिश की हिंदी करते हैं ना, इंग्लिश जब हिंदी करते हैं तो इस इंग्लिश को हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर वर्ड दिया जाता है आपको, तो कई बार ना इंग्लिश और हिंदी पढ़ने के चक्कर में आपकी हिंदी भी ठीक हो जाती है, ट्रांसलेशन की वजह से आपकी मदर टंग भी सही हो जाती है, और टीचर भी मदर टंग का यूज करता है, स्टूडेंट भी मदर टंग का यूज करता है, तो आपकी मदर टंग इनहांस हो जाती है, अच्छी हो जाती है। इट इज मोर इफेक्टिव फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी स्टेज, छोटे बच्चों के लिए ये स्टेज सही होती है, छोटे बच्चों के लिए ये मेथड सही होता है, क्योंकि उनको फर्स्ट लैंग्वेज तो आती है, अगर आप उनको इससे पढ़ा दोगे तो उनको सेकंड लैंग्वेज भी आ जाएगी, ऐसा ये लोग मानते हैं, फायदा है इसका, ठीक है ना। हालांकि
इस मेथड से पढ़ाने से ना बोलना नहीं आता है, वो एक दिक्कत होती है। और देखते हैं क्या फायदे इससे, इकोनॉमिकल होती है, समय बचाती है, आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन आपको आ जाती है, ग्रामेटिकल रूल सीख जाते हैं आप, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज, कोई भी पैसेज कोई भी लेसन को आप समझ सकते हैं पढ़कर, क्योंकि आपको ट्रांसलेशन आती है, वर्ड्स के मीनिंग आते हैं, आपको ग्रामर आती है, तो आप लिख भी सकते हो और लिखे हुए को कॉम्प्रिहेंशन भी समझ भी सकते हो। और ये जो मेथड है ना ये फॉलो करता है प्रोसीड फ्रॉम नॉन टू अननोन, ये नॉन से अननोन की तरफ जाता है। नॉन मतलब आपकी मदर टंग और अननोन मतलब टारगेट लैंग्वेज। आप अपने हिंदी से इंग्लिश को सीख सकते हो, हिंदी नॉन है इंग्लिश अननोन है, तो हिंदी से इंग्लिश नॉन टू अननोन इसको सीखा जा सकता है, ये खास बात होती है इसकी। और देखिए लिमिटेशन, इसकी कमियां क्या है वो देखिए। सबसे बड़ी कमी है डिस्टेस बाय लर्नर्स, लर्नर को मजा नहीं आएगा क्योंकि लर्नर पैसिव लिसनर है, उसकी कोई एक्टिविटी नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा, टीचर बस एक मास्टर की तरह है, वो चाहे सर्वेंट की तरह है, वो उनके बस आदेश फॉलो करना, तो ये बिल्कुल स्टूडेंट के लिए मजेदार चीज नहीं, बोरिंग मेथड है, एक तरह से बोरिंग मेथड है, डिस्टेस, कोई मजा नहीं आता लर्नर्स को। फ्रेम एंडलेस लिस्ट ऑफ अनयूजेबल ग्रामर रूल्स, बच्चों को बहुत सारे ग्रामर के रूल्स वोकैब क्रैम करने पड़ते हैं, रटने पड़ते हैं, लर्न करने पड़ते हैं, जो जिंदगी पता नहीं कभी काम आएंगे कि नहीं आएंगे, खूब सारे ग्रामर के रूल्स वोकैब एंडलेस लिस्ट खूब सारे वर्ड यूज करने पड़ते हैं। ग्रामर ग्रामेटिकल एनालिसिस ऑफ ऑफन कंफ्यूजन स्टूडेंट्स, जब आप हर चीज के पीछे ग्रामर के रूल्स को देखते हैं कि ये ग्रामर के साथ सही है गलत है, तो ना बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है, बहुत सारे ग्रामेटिकल एनालिसिस करना बच्चे को कंफ्यूज करना है। और देखिए दिस मेथड मेथड ऑफन क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन, इससे ना बच्चों में फ्रस्ट्रेशन भी आता है, तनाव आता है, रटना पड़ता है, बहुत प्रेशर आता है, कितनी वोकैब याद करे, कितनी ग्रामर के रूल्स याद करे, कितना ट्रांसलेशन करे, ही बिकम्स फ्रस्ट्रेटेड। स्टूडेंट्स आर पैसिव लिसनर, ये एक बड़ी कमी है, जबकि स्टूडेंट को जो है वो एक्टिव होना चाहिए, ये भी इसकी कमी है, पैसिव लिसनर होता है, बोर हो जाता है, ठीक है ना, कुछ कमी है इसकी। और देखिए इट मेक्स फ्यू डिमांड्स ऑन टीचर, डिमांड्स टीचर की डिमांड कम रहती है, अगर देखा जाए अगर किताबें हैं उसमें सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, वोकैब है, कई लोग राजस्थान में संजीव पासबुक एक्सीलेंट की पासबुक इनको लेकर के पूरी इंग्लिश पढ़ जाते हैं, चाहे स्कूल में टीचर हो चाहे नहीं हो, उन्हें पता है कि इस लेसन की हर लाइन की या वर्ड्स याद करने हैं, इनकी ट्रांसलेशन दे रखी है, ग्रामर के रूल्स दे रखे हैं, खुद बच्चा पढ़ करके समझ करके पास कर लेता है एग्जाम, तो टीचर की जरूरत कम रहती है, टीचर का कोई इंटरेक्शन नहीं रहता है ज्यादा। इट स्ट्रेसेस ओनली लिटरेरी टेक्स्ट, एक कमी ये भी है कि इसमें केवल लिटरेरी टेक्स्ट पर स्ट्रेस रहता है, केवल लिटरेचर पर स्ट्रेस रहता है, नॉट यूजफुल फॉर स्पीकिंग नॉलेज, स्पीकिंग नॉलेज के लिए यूजफुल नहीं, ये बहुत बड़ी कमी है, जबकि लैंग्वेज का पहला स्किल इंपॉर्टेंट लिसनिंग और स्पीकिंग होता है, प्राइमरी स्किल्स यही है, ओरल स्किल जरूरी है, इस पर ये साइलेंट है। इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकली नो चांस फॉर ड्रिल इन ओरल ओरल स्किल, आगे देखो आप ओरल ओरल, ओरल मीन्स ऑडियो और ओरल मीन्स बोलना, बोलने और सुनने वाले स्किल पर ये बिल्कुल खामोश है, ठीक है, नो चांस, प्रैक्टिस से कोई चांस ही नहीं होता। इट डज नॉट प्रोवाइड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल द फोर लैंग्वेज, चारों स्किल्स पर बराबर जोर नहीं है, लिसनिंग स्पीकिंग तो ये बिल्कुल साइलेंट है, केवल रीडिंग और राइटिंग को ये इम्प्रूव कर सकती है, तो चारों स्किल होने चाहिए, इसमें दो स्किल पे तो ये खामोश है, एक कमी है। इट पेज लिटिल अटेंशन टू प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन पे बहुत कम ध्यान, जब बोलोगे ही नहीं तो प्रोनाउंसिएशन कहां से ठीक होगी, इसलिए जीटीएम मेथड के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता है, उसमें बहुत कम ध्यान देता है, ये डल है और अनइंटरेस्टिंग मेथड है, डल मेथड है और अनइंटरेस्टिंग मेथड होता है, ठीक है ना, फुल स्टॉप लगा देना इसके। ये डल है और ये अनइंटरेस्टिंग है। इट नेगलेक्ट साइलेंट रीडिंग, ये साइलेंट रीडिंग को नेगलेक्ट करती है, मॉडल रीडिंग को नेगलेक्ट करती है एंड रैपिड रीडिंग को नेगलेक्ट करती है, इसमें बच्चों को टीचर ही ट्रांसलेट करवा देता है तो खुद तो पढ़ता नहीं ज्यादा, तो मॉडल रीडिंग भी नहीं होता इसमें,
साइलेंट रीडिंग भी नहीं होती है, इसमें रैपिड रीडिंग भी नहीं होती है। बच्चा तो पैसिव है ना, तो ये रीडिंग का कोई ज्यादा लेना देना इसमें नहीं होता। ये भी एक नुकसान है इसका, रिपिटेशन है, कमी है। और देखिए सम वर्ड्स idioms एंड फ्रेजेस, कुछ शब्द ऐसे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो वहां के कल्चर के हिसाब से, वहां के ट्रेडिशन के हिसाब से, उनको अगर आप ट्रांसलेट किया तो कर नहीं सकते, और कर भी लोगे ना तो उनका वो सेंस, वो उनका जो वो है ना, जो उनके ब्यूटी है, वो तो खत्म हो जाएगी, आपको मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा ढंग से। ऐसे कई फ्रेज होते हैं, ऐसे कई idioms होते हैं इंग्लिश में विच रिफ्लेक्ट कल्चर, जो वहां के कल्चर को, ट्रेडिशन को शो करते हैं, इनको ना आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते मदर टंग में विदाउट लूजिंग द करेक्ट इफेक्ट। अगर कर भी लोगे तो उनका जो करेक्ट इफेक्ट है, जो उनका असर है, वो खत्म हो जाएगा, वो मजा खत्म हो जाएगा। तो उस वर्ड को तो उसी इंग्लिश में ही बताना चाहिए, समझाना चाहिए। मदर टंग में आप यूज करोगे तो वो उसका इफेक्ट, वो सेंस, वो जूस खत्म हो जाएगा उसका, वो जिस्ट खत्म हो जाएगा उसका। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ऑफन अनसेटिस्फैक्टरी, जब एक एक शब्द को ट्रांसलेट करते हो तो इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है, मजा नहीं आता इसलिए। स्टिल्टेड सेंटेंस होते हैं, जब आप ट्रांसलेट करते हो तो सेंटेंसेस आर आर्टिफिशियल, हिंदी ट्रांसलेट करते हो आर्टिफिशियल से लगते हैं, फ्यूटाइल, बेकार से लगते हैं, कोई यूज के नहीं होते। और ये मेथड ना आउटडेटेड हो गया है, ओल्ड फैशन हो गया, अब इसको यूज नहीं करना। भाई 200 ईयर्स ओल्ड मेथड है, अब क्यों उसको यूज किया जाए? अब तो कम्युनिकेशन पे जोर दो, बोलने पे जोर दो, है ना, ओरल ओरल स्किल पे जोर दो, स्पीकिंग और लिसनिंग पे जोर दो। ये मेथड अब पुराना हो गया, इसलिए इसको यूज नहीं करना चाहिए। बट देखो व्हाट एन आयरनी, इंडिया में आज भी इसी मेथड से इंग्लिश को पढ़ाया जा रहा है, ये गलत है, इसको चेंज होना चाहिए। बट चूंकि हमारे यहाँ ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है तो ये उस हिसाब से थोड़ा सही लगता है कि ठीक है यही मेथड सही है। अभी थोड़ा गवर्नमेंट इसके ऊपर चेंज हो रही है और स्कूल्स में अब थोड़े नए मेथड यूज किए जा रहे हैं। ये बेकार मेथड है, पुराना मेथड है, ठीक है ना, ऐसा क्या? इस मेथड की कमी देखो, राउस बहुत अच्छी बात कहता है कि यू लर्न एवरीथिंग अबाउट इंग्लिश एक्सेप्ट इंग्लिश। राउस ने कहा इसी मेथड से, अगर आप जीटीएम से पढ़ोगे तो यू लर्न एवरीथिंग अबाउट इंग्लिश, आपको इंग्लिश के बारे में हर चीज आ जाएगी, वोकैब, ग्रामर, ट्रांसलेशन सब आ जाएगा आपको, बट नॉट इंग्लिश, इंग्लिश नहीं आएगी। मीन्स इंग्लिश मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स टू कम्युनिकेट, टू एक्सप्रेस योर व्यूज, आइडियाज, स्पीकिंग, लिसनिंग, कम्युनिकेशन, वो तो आपको आएगा ही नहीं। तो बिल्कुल सही बात कहता है, यू लर्न एवरीथिंग अबाउट इंग्लिश एक्सेप्ट इंग्लिश, आपको इंग्लिश के बारे में हर चीज आ जाती है सिवाय इंग्लिश के। इसके अलावा न्यूमन कहता है कि देखो ग्रामर जो सिखाते हैं इस मेथड में, ग्रामर इज नाइदर नेसेसरी नॉर सफिशियंट फॉर लर्निंग इंग्लिश या एनी लैंग्वेज। ग्रामर न तो जरूरी है और न पर्याप्त है कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। ग्रामर इज neither necessary nor sufficient फॉर लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर न तो जरूरी है और न sufficient। क्यों सिखाते हो फिर ग्रामर? बिना ग्रामर के भी लोगों को इंग्लिश आ सकती है। राउस कहता है कि इस मेथड से आप इंग्लिश के बारे में सब समझ जाते हो बट इंग्लिश नहीं जानते। और देखना अभी खुद मानते हो कि हम लोग इंग्लिश से एमए कर लेते हैं, बीएड कर लेते हैं, उसके बावजूद भी हम इंग्लिश बोल नहीं पाते। इंग्लिश की मूवीज, इंग्लिश के गानों को बिना सबटाइटल के हम समझ नहीं पाते हैं। ये इस मेथड की कमी है। राउस कहता भी है कि ग्रामर से अब अंग्रेजी नहीं सीख सकते, ट्रांसलेशन से इंग्लिश नहीं सीख सकते। लैंग्वेज को सीखना है तो उसको बोलना पड़ेगा, उसको यूज करना पड़ेगा, और इसमें लैंग्वेज यूज नहीं होती। फिर भी इतनी कमियां होने के बावजूद भी जीटीएम पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इसमें टीचर की डिमांड नहीं होती और बिना टीचर के भी स्टूडेंट सीख सकता है। तो थोड़ी सस्ती हो गई, थोड़ी ईजी हो गई, ठीक है ना, थोड़ा सा कहते ना प्रैक्टिकल हो गई। वास्ट मेजोरिटी ऑफ टीचर आर ट्रेन्ड इन लिटरेचर नॉट इन लैंग्वेज, दे डोंट नो अबाउट फोनेटिक्स, दे स्पीक इनकरेक्टली। तो अगर आप उनसे बुलवा के बोलोगे तो बोल भी नहीं पाएंगे। इसलिए ये मेथड जीटीएम वाला ही सही है, क्योंकि ये टीचर जो होते हैं फोनेटिक्स नहीं जानते हैं, करेक्टली बोल नहीं सकते हैं, तो बच्चों को कैसे सही बोलना सिखाएंगे? इसलिए जीटीएम चला रहा है आज भी पॉपुलर। इसके अलावा इसको ना हैफाजर्ड वे में पढ़ा सकते हैं, मतलब विदाउट नो पर्टिकुलर प्लान, बिना प्लान के इसको पढ़ा सकते हो। टीचर क्लास में जाएगा, किताब खुलवाएगा, पढ़ा देगा, ग्रामर पढ़ाएगा, कोई टीचिंग एड्स की जरूरत नहीं है, कोई लैब में जाने की जरूरत नहीं है, कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, कुछ ऑब्जेक्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक्टिविटी की जरूरत नहीं, नो प्लानिंग, नो एक्टिविटी।
सीधा टीचर जाएगा बुक से या बोर्ड पे चौक से पढ़ा देगा, दैट्स इट। इसलिए ज्यादा पॉपुलर है, हैपजर्ड वैसे पढ़ा सकते हो। तो ये मैंने आपको जीटीएम मेथड पढ़ा दिया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्लास में इसके हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, इसको वापस पढ़ लीजिए। आप जो है इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और जो मैंने शुरू में इसकी बेसिक बताई थी, कहां से बना, क्या इसका प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, वो सब देख ले, फिर हम क्वेश्चन से करेंगे। कोई से क्वेश्चन से मैं आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास आपके लिए अच्छी रही होगी, आई होप सो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। चाओ।